फरीदा रहमान और सुनील दत्त के बीच बहुत ही स्पेशल बॉन्ड थी, ये तो आप जानते ही हैं। वाहिदा सुनील दत्त के साथ फिल्मों में काम करने वाली ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने बेबाक हर एक्टर के बारे में बयान दिया है। तो चलिए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में आज कुछ और भी बातें बता दें। वाहिदा और सुनील की फिल्में तो आपने देखी होगी, लेकिन सुनील दत्त के रवैये से कभी वाहिदा कितनी परेशान रही ये आप नहीं जानते होंगे। स्क्रीन पर तो इनकी बॉन्डिंग बहुत लाजवाब थी, ऑफ स्क्रीन विलन का रोल प्ले करते करते, डाकू का रोल प्ले करते करते काफी रूड हो गए थे सुनील दत्त, और इस बारे में वाहिदा रहमान ने उनसे जानने की कोशिश भी की थी। सुनील दत्त के बारे में शिकायत वाहिदा रहमान ने उन सुनील की पत्नी नरगिस दत्त से कर दी थी। कहा था कि आप अपने मियां को समझा लो, ये बिल्कुल डाकू का रोल प्ले करते करते हिटलर ही बन चुके हैं। ऐसी बातें सुनील दत्त को लेकर वाहिदा ने खुल्लम खुल्ला कह दी थी, जिसे सुनकर लोगों को काफ़ी हैरानी हो गई थी। सुनकर ही लोग काफ़ी चौंक गए थे। ये बात वाहिदा रहमान की ये बात आप सभी को हैरान करेगी। नरगिस दत्त सुनील दत्त की पत्नी से वाहिदा की ये जो शिकायत थी लोगों को बहुत हैरान कर गई थी। तो वो किस्सा हम आपको सुनाना चाहेंगे। सुनील दत्त वैसे तो नरगिस दत्त के साथ शादी के बाद भी उनके साथ ही अपने फिल्मों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे, लेकिन बात सुनील दत्त और नरगिस दत्त की हो रही है तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वाकई में नरगिस और सुनील की बॉन्ड बहुत ही अलग रही है, और इसलिए नरगिस की बात का सम्मान हमेशा ही सुनील दत्त उनके पति रखते भी आए हैं। कई किस्से ऐसे हैं उनसे जुड़े जो लोग नहीं जानते हैं, आज उससे जुड़ी एक बात तो हम आपके बीच ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। वाहिदा रहमान ने जब नरगिस दत्त से शिकायत की थी उनके पति को लेकर, सुनील दत्त को लेकर, रेशमा और शेरा से लेकर मुझे जीने दो, एक फूल चार कांटे और मेरी भाभी जैसी फिल्मों में इन्होंने साथ काम किया था। बताया जाता है कि वाहिदा रहमान परेशान होकर कह बैठी थी नरगिस से कि जनाब ठाकुर जनरल सिंह डाकू का रोल क्या कर रहे थे, लाइफ में भी वो वही जी रहे थे, कभी ना मुस्कुराना ना हंसना, हमेशा एक ही जोश में रहते थे। चंद दिनों बाद नरगिस भी वहाँ आई थी तो उस मौके पर वाहिदा ने कहा कि टेंट में रहना पड़ता था। नरगिस से उन्होंने शिकायत की थी, अपनी मियाँ को समझाइए, ज़िंदगी में भी हिटलर की तरह बन गए हैं। नरगिस जी ने उनसे कहा, नहीं नहीं वाहिदा, ऐसा नहीं है, आपको समझना चाहिए। ये कहकर दोनों में काफ़ी बातें हो गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।